दोस्तों मोटोरोला ने आज इंडिया में अपने न्यू स्मार्टफोन मोटो G64 5G को लॉन्च कर दिया है, जहां से इसके ऑफिशियल प्राइसिंग, ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन, हमें इस स्मार्टफोन को क्या कुछ ऑफर्स देखने को मिलते हैं, हम इस स्मार्टफोन को कब से और कहां से परचेज कर सकते हैं, हर एक जानकारी बाहर निकल कर आ चुकी है, जो कि आज की इस वीडियो हमको देने वाला हूं। और साथ में यही बताऊंगा कि आपको ये स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। और बहुत सारे लोगों को ऐसा कन्फ्यूजन है कि क्या हमें पास अगर मोटो G54 5G है तो हमें मोटो G64 5G लेना चाहिए या फिर मोटो G54 5G, और मोटो G64 5G में से कौन सा स्मार्टफोन हमें लेना चाहिए। तो जितनी भी कंफ्यूजन है आपको इस स्मार्टफोन से रिगार्डिंग, सारी कंफ्यूजन मैं क्लियर कर दूंगा, तो बस आप इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपसे मोटो G64 5G के जो है एक बार स्पेसिफिकेशन के बारे में बातें कर लेता हूं। तो दोस्तों यहां पे जो है आपको 6.5 इंच का एक फुल HD प्लस वाला IPS LCD पैनल देखने को मिल जाता है, जहां पे जो आपको 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट लाकर दिया गया। ध्यान दीजिएगा यहां पर कोई भी OLED डिस्प्ले वगैरह देखने को नहीं मिलता है, यहां पे एक 120 हर्ट्ज का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग ठीक ठाक है। हम उतना ज्यादा शिकायत नहीं कर सकते हैं, एवरेज सा डिस्प्ले प्रोवाइड करा गया है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, एक एवरेज डिस्प्ले है। सामने की तरफ जो है पंचोल स्टाइलिंग वाला डिस्प्ले है, जहां पे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, ये भी अच्छी बात है। बैक की तरफ जो है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, जहां पे आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाता है। सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का है, जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ में आता है। अच्छी बात यह है कि यहां पे कोई भी मार्केटिंग गिमिक करने के लिए थर्ड कैमरा बस 2 मेगापिक्सल का ऐसे ही नाम के लिए नहीं छिप दिया गया है, 50+8 का यूज फुल कैमरा छिपा गया है, अच्छी बात है। यहाँ पे कोई भी यूजलेस कैमरा आपको देखने को नहीं मिलता है, और OIS भी देखने को मिल जाता है, एक एडवांटेज हमें ज़्यादा देखने को मिल जाता है, जो कि ये सरप्राइज रेंज में बहुत कम ही हमें देखने को मिलता है। अब बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ में आता है, एंड यहाँ पे आपको 33W का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाता है। तो बैटरी डिपार्टमेंट में भी अच्छा काम करा गया है। प्रोसेसर यूज करा गया है यहाँ पे MediaTek की तरफ से Dimensity 7025, जो कि वर्ल्ड का पहला फोन बन जाता है जहाँ पे आपको Dimensity 7025 चिपसेट देखने को मिल जाता है। एंड हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो आपको LPDDR4X RAM टाइप एंड UFS 2.2+ स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है, तो हाँ ये भी अच्छी बात है। अब प्रोसेसर की बात कर लिया, हम आगे बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, एंड यहाँ पे आपको 3.5mm जैक भी देखने को मिल जाता है, हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिलता है। तो आप दो सिम के साथ साथ एक SD कार्ड लाकर एंजॉय नहीं कर सकते हैं, या तो आप दो सिम एंजॉय कर लो या फिर एक सिम के साथ एक SD कार्ड एंजॉय कर लो, इसके अलावा आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। डुअल स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, एंड ये स्मार्टफोन जो आपको एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है, एंड यहाँ पर आपको 1+3 का अपडेट देखने को मिलेगा, मतलब एंड्रॉइड 15 तक के अपडेट इसमें आपको देखने को मिलेंगे। कमॉर्निंग यार मोटो, एटलीस्ट 2 साल का तो अपडेट दिया आप, तो क्या 1 साल का अपडेट दे रहे हो। खैर, 1 साल का अपडेट आपको देखने को मिलेगा और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलने वाला है। तो ये रही स्पेक्स की कहानी मोटो G64 5G की। अब अगर मैं आपसे इसके प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो इंडियन मार्केट में 2 वेरियंट में लॉन्च करा गया है। बेस वेरियंट है 8+128, प्राइसिंग रखी गई है 15,000 रुपये, 14,999। दूसरा वेरिएंट है 12+256, प्राइसिंग रखी गई है 17,000 रुपये, मतलब 16,999 रुपये। बट दोस्तों अगर आप HDFC का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो है आपको 1,000 का डिस्काउंट देखने को मिलता है दोनों ही वेरिएंट पे, जिसके बाद जो इफेक्टिव प्राइस है वो बन जाती है 14,000 रुपये और 16,000 रुपये। और दोस्तों अगर आप इस फोन को EMI पे लेते हैं तो EMI पे अगर आप या तो आप डेबिट कार्ड लगा लो या फिर क्रेडिट कार्ड लगा लो, दोनों में से कोई भी अप्लाई कर लो, दोनों पे ही आपको जो है 1,000 का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। बट फ्लैट डिस्काउंट जो है सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड पे देखने को मिलेगा, डेबिट कार्ड पे देखने को नहीं मिलेगा। और आप इस स्मार्टफोन को जो है परचेज कर सकते हैं 23rd of April से दोपहर 12 बजे से फ्लिपकार्ट के ऊपर जाकर, ये परचेज के लिए अवेलेबल हो जाएगा। अब दोस्तों बात आती है आपके दिमाग में, अगर मेरे पास मोटो G54 5G है तो क्या हमें मोटो G64 5G लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर आपके पास G54 ऑलरेडी है तो G64 में अपग्रेड करने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे एक प्रोसेसर में चेंज करा गया है, Dimensity 7020 आई थिंक उसमें था, और इसमें हमें Dimensity 7025 देखने को मिलता है। तो क्या चेंज है? कुछ भी चेंज नहीं है, यहाँ पे माइन्यूट सा चेंज आपको देखने को मिलता है, बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। बट हाँ, जिनको ऐसा था कि वो कंफ्यूज थे कि मोटो G54 परचेज करें या फिर नहीं करें, उनके लिए एक नया ऑप्शन देखने को मिल गया है तरकता फरकता, तो आप मोटो G54 5G को ना लेकर मोटो G64 5G को लेना। जिनके पास मोटो G54 5G ऑलरेडी है उनको अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, बट जिनके पास ऐसा है कि कंफ्यूज थे कि हमें G54 लेना चाहिए, अभी तक नहीं ले लिए हैं, वो लेना चाहते हैं, तो आपको मोटो G54 5G नहीं लेना है, आपको मोटो G64 5G लेना है। खैर, इस प्राइस रेंज में और भी अदर स्मार्टफोन दूसरे कंपनी के अवेलेबल है इंडियन मार्केट में, आप उसकी तरफ भी देख सकते हैं। बट ये भी एक अच्छा ऑप्शन देखने को मिलता है मोटोरोला की तरफ से, तो मेरी तरफ से स्मार्टफोन रिकमेंडेड है, चाहे तो आप स्मार्टफोन को जाकर ले सकते हैं, अच्छा स्मार्टफोन है। खैर, यही सब जानकारी थी जो मैं आपको देना
जाता था मोटो G64 5G से रिगार्डिंग। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही एक और नए वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।